वहाँ भी लड़का तालाब में सब लड़का तालाब में है। सुनिए प्रशासन से परमिशन लेके अपन काम है हमारे पंचायत में। सुनिए एक मिनट साइड होइए, एक मिनट सकते हैं हम कार्यकर्ता है। सुनिए मेरा बात सुनिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमने सब समय लगा रहे हैं। राजू माधव दूसरे जगह दौरा करने नहीं जाएगा ना? राजू माधव दूसरे जगह दौरा करने नहीं जाएगा? तो आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग नर्रा में आज परमिशन मिला हुआ था, लेकिन राजू माधव का अलार्गो का और यहाँ पे दबंगई कर रहा है कि आप लोग हमारे एरिया में नहीं घुसना होगा। इसलिए हम जितने भी हमारा समर्थक है और आप सभी से अनुरोध है कि राजू माधव अगर कोई भी पंचायत में जाता तो उसको वहाँ से नहीं घुसने दिया जाएगा, उसको भी खदेड़ के निकाला जाए, उसका गाँव में बैरिकेडिंग लगाया जाएगा। इस तरह का हरकत अगर करता है राजू माधव तो ऐसा दबंगई नहीं चलेगा। जनता सर्वोपरि, आप जनता के लिए काम किया, जनता आपको वोट देगा। रंगदारी करिएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजू माहतो अगर वोट देगा तो तोर नाम की लगो से बोल पहले तोरा के बोल लो इटा बोले लेकिन यहाँ रोके ले तोरा ए दादू तोरा के बोल लो यहाँ रोके ले दलाली गिरी करो यो के बोल तोरा के बोल लो रोके ले के बोल लो रोके ले दोसर जगह ना जा है डुमरी विधानसभा ओकर बाप के लगे की ओकर बाप के लगे डुमरी विधानसभा ओकर बाप के लगे रंगदारी करता है हैं समझते कौन ची आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आज हम लोग अलार्गो आ रहे थे, जबकि ये एसडीएम का आदेश था कि 6 पंचायत जो है चंद्रपुरा प्रखंड में जो आता है डुमरी विधानसभा के अंतर्गत में, वो दौरा करने के लिए टाइगर जयराम माधव का। और यहाँ पे जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो सब गांव घुसने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग को हमारे गाँव में नहीं आना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग जो विभिन्न गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग से अनुरोध है कि जेएमएम के कोई भी गाड़ी अगर कोई प्रत्याशी भी जाता तो उसको रोका जाए, उसको अपने गांव में नहीं घुसने दिया जाए। ये सब 20 साल अपना काम किया, लूट लूट के खाया, जनता को बुड़बक बनाया और यही इस सब का काम है। डर लग रहा है कि कहीं हमारा मतलब जो सिंहासन खत्म ना हो जाए, जो वर्चस्व खत्म ना हो जाए।